बारिश शुरू हो चुकी है। हमने अभी अभी रुद्राक्ष के पौधे तैयार करने के लिए एयर लेयरिंग करने जा रहे थे और अचानक बारिश शुरू हो गई। यह है रुद्राक्ष का वो पेड़ जिसके ऊपर टहनियों की सिलेक्शन की गई है। अब इन टहनियों पर हम आपको एयर लेयरिंग करने बताएंगे कैसे एयर लेयरिंग की जाती है, जिसके ऊपर पेड़ के ऊपर ही पौधे तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ एग्जांपल हैं। यह है नींबू के पौधे, ये हमने एयर लेयर करके तैयार किए हैं। इनको तो अब एक साल हो चुका है। यह है बोमॉस ग्रास, ये जंगली और पहाड़ी इलाकों में नमी वाले स्थानों पर पाई जाती है। नदी नालों के साइड में भी ये हो सकती है, आपके घर के बैकयार्ड में भी ये हो सकती है, लेकिन इसका ये साइज में कुछ ज़्यादा बड़ी है। इसको स्पेशली हम शिमला से लाए थे। इसका जो साइज़ है वो 1.5 इंच तक के करीब लंबा हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी होती है। मतलब रिक्वायरमेंट है ये प्लास्टिक सीड्स रेक्टेंगुलर शेप में कटी हुई 7-8 इंच बाई 6 इंच के करीब। उस साथ में कुछ कटी हुई रस्सियाँ और मॉस ग्रास। मुट्ठी भर मॉस ग्रास हर एक शीट के ऊपर रख के इसको बांधेंगे। सबसे पहले इसको राउंड की इसका छिलका उतारेंगे, कोई भी दो आँखें लेके इसके बीच में से, और फिर इस कटे हुए भाग में उस मिक्सचर को बांध दिया जाएगा। हुआ भाग है वो इसके बीच में होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए बाहर। इसके लिए दोनों तरफ से इसको बांध देंगे। और ये एयर लेयरिंग तैयार हो गई। और अब कम से कम 25-30 दिनों में इसकी जड़ें तैयार हो जाएगी और पौधा तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको काट कर ज़मीन पर या किसी ट्यूब में लगाया जाएगा। ये इसका फ्रूट यहाँ से लगेगा।